हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत टेस्टी और बहुत ऑथेंटिक बेंगोली रेसिपी जो बेंगोली में बहुत फेमस है। उसका नाम है पोटैटो क्रिस्पी भुजिया। ये बेंगोली में बहुत पॉपुलर है। इसके प्लेन दाल राइस के साथ बहुत अच्छे लगती है पोटैटो भुजिया। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को, और रेसिपी देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। क्रिस्पी आलू भुजिया बनाने के लिए हमें इस तरह के जुलियन ग्रेटेड आलू चाहिए, और ये कारी लीव स्टिक्स है, और ये पीनट है 1 टेबल स्पून। फ्राई करने के लिए ऑयल है, मैंने 4 पोटैटो लिया है। उसके बाद मैंने फिर 2 मोट 6 आलू लिया है मैंने, और ये ग्रेटर है। आलू को पील कर लीजिए अच्छे से। देखिए मैंने 6 पोटैटो लिया है, थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ये देखिए मैंने ग्रेटर से जो बड़ा वाला साइड है ना, उससे ग्रेट करिएगा आलू को। मैंने किया है, देखिए बड़ा वाला जो साइड है उससे थिन जुलियन लंबे लंबे आलू निकालते हैं इससे। देखिए कितना सुंदर है। अब उसको डायरेक्ट पानी में दे दीजिएगा ग्रेट करने के बाद। देखिए मैंने डायरेक्ट पानी में ग्रेट करी है मैंने, तो आलू ब्लैक नहीं होंगे इससे, और जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगा पानी से। देखिए मैंने कैसे ग्रेट किया है, आप भी ऐसे ही कीजिए। आलू को अच्छे से धोना है, 3-4 बार अच्छे से आलू को प्लेन वाटर से धोना है। जब पानी एकदम सादा पानी निकल आए आलू से, तब देखिए मेरा पानी एकदम व्हाइट है, ब्लैक नहीं है। अब एक प्लास्टिक के स्ट्रेनर से मैं ड्रेन कर लूंगी वाटर को, छान लूंगी। देखिए आलू में एक भी पानी नहीं होना चाहिए, तब क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब मैं एक क्लॉथ से पानी को सुखा रही हूँ, सुखाया मैंने ऐसे ही सुखाया है। देखिए आप भी ऐसे कीजिए, किचन टॉवल हो तो भी चलेगा, नैपकिन टॉवल, किचन टॉवल, एकदम सूखा होना चाहिए आलू, फिर आलू बहुत क्रिस्पी बनेगा। देखिए मैंने कैसे सुखाया है, आप भी ऐसे कीजिए। अब मैंने एक मिक्स मसाला बनाया है, नमक, ब्लैक सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून डाल के मैंने पाउडर बनाया है। अब तेल हॉट होना चाहिए थोड़ा, इसमें मैं पीनट फ्राई करूँगी। पीनट को अच्छे से फ्राई करना है, देखिए जब तक वो लाल हो जाए। देखिए मेरा लाल हो गया पीनट, क्रिस्पी हो गया। 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए ऑयल से निकल लिया मैंने। अब करी लीव्स को मैं फ्राई करना है आपको इस तरह से क्रिस्पी होने तक। अब तेल को हॉट होना चाहिए, देखिए हॉट ऑयल में मैंने कैसे दिया है। 2-3 बार, ज़्यादा आलू एक साथ ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिए, और फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए गैस का, तभी वो क्रिस्पी बनेगा। देखिए कैसे क्रिस्पी हो रहा है, कलर चेंज हो गया मेरा आलू का, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम क्रिस्पी भी हो गया। मैंने 2-3 बार में किया है फ्राई किया है आलू को, 2-3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके। देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, कलर कितना अच्छा आया है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। 2-3 बार में मैंने किया है फ्राई, एकदम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, ये जरूरी है बहुत। मेरा गैस बिल्कुल हाई फ्लेम पे है, देखिए
देखिए कितना गोल्डन ब्राउन हो गया, मेरा सभी आलू फ्राई हो चुका है। इसी तरह सभी आलू को मैंने फ्राई कर लिया है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से ऑयल सेपरेट करके निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया है ऐसे इस झाजरी से। अब इसमें रोस्टेड पीनट, फ्राई करी लीव्स एंड मैंने जो ड्राई मसाला ऐड किया है ना उसको अच्छे से स्प्रिंकल करके मिला दीजिए अच्छे से। इसमें हॉट, जब आलू हॉट हो तभी इसको स्प्रिंकल कर दिए, अच्छे से मिला दीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। स्टीम राइस दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है आलू। तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर